हाय नमस्कार। सो नेपाल का नोटिस आ गया है और नेपाल गवर्नमेंट ने बेसिकली अब जैसे हमारा नीट का नोटिफिकेशन आता है वैसे नेपाल गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन निकाला। जिसमें मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि लाइक इंडिया नेपाल एक प्रॉपर कंट्री है, मतलब प्रॉपर तरीके से काम करता है। लाइक जब हम बच्चों को रशिया यूक्रेन कजाकिस्तान भेजते हैं जहाँ इस तरह से कोई एंट्रेंस टेस्ट या कोई प्रोसेस नहीं है। नेपाल ने बहुत रूल्स बना रखे हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसके नीट स्कोर को एक्सेप्ट किया जाता है इन लीव ऑफ देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट जो कि नेपाल गवर्नमेंट लेती है फॉर देयर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। जो वहाँ पर फेमस कॉलेजेस हैं लाइक नेपाली आर्मी मेडिकल साइंस या बीपी कोइराला या IOM जो फेमस है वहाँ पे, जिसको वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं, उसके लिए उनका बहुत स्ट्रिक्ट उनका अपना एग्ज़ाम होता है। और वो जो एग्ज़ाम है वो अभी इस समय चल रहा है। और उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को अलाउड है कि हम लोग सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देकर भी जा सकते हैं। ओके, और अभी तक हम जानते ही हैं कि हमारे लिए ही है जो कि डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है। लेकिन अब उन्होंने वो लिस्ट निकाल दी है, वो डेट निकाल दी है लेट्स से फॉर द नेपाल स्टूडेंट्स। इट ऑल्सो गिव्स अस अ हिंट कि हमें क्या करना है। सो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस और पूरा जून चलेगा। तो आई थिंक हमको अपना नीट का रिज़ल्ट पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि नेपाल कंट्री ऐसी है, क्योंकि जब आप हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं रशिया वगैरह जाना किर्गिस्तान कजाकिस्तान, तो पिछले 3 साल का नीट स्कोर चलता है। तो कोई बच्चा ये हो सकता है कि नीट 2024 में क्वालिफाई ना करे पर 23 में करा हो 22 में करा हो, तो आप रशिया किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा जा सकते हो, बट नेपाल में नहीं जा सकते। नेपाल में 2024 में क्वालिफाई करना पड़ेगा और वो भी जनरल कैटेगरी कट ऑफ से। तो ये नेपाल के अपने 2 रूल हैं जस्ट टू गेट क्वालिटी स्टूडेंट्स। और नेपाल में बहुत सारे कॉलेज हैं, हम हमेशा जिक्र करते हैं, कुल मिला के रफली स्पीकिंग 20 के करीब कॉलेज पढ़ते हैं उनका प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के। और जनरली हम लोग जो नीट के थ्रू जा सकते हैं वो हम जा सकते हैं जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर हो चाहे वो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर हो। और एक जो नेपाल ने फीस फीस कर रखी है वो है $75,000 टू बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। और बाकी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अब नेपाल भी जा रहे हैं। देखिए फिर से वही बात है, बजट कम है, तो जिस तरह इंडिया में सस्ता देख रहे थे हम वहाँ सस्ता देख सकते हैं। पर नेपाल में भी 3 कैटेगरी कॉलेज हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अदर देन दी गवर्नमेंट और लाइक नेपाली आर्मी और बीपी कोइराला देर आर टॉप टू में 2 ही आते हैं, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा और कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर। इन दोनों पूरे $75,000 फीस लेते हैं और जो भी उनके हॉस्टल चार्जेस हैं मिला मुलू के आपको आज की रेट के हिसाब से मैं बताऊंगा तो 75 लाख के करीब आपको टोटल खर्चा बैठ जाएगा, $83 का डॉलर है इस समय। उसके अलावा फिर एक सेकेंड टायर आता है जिसमें काठमांडू मेडिकल कॉलेज, किस्ट, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस मेरे हिसाब से आते हैं जो थोड़ा सा इस समय स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो हमने एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स। और टोटल फीस पे जो कि 62-63 लाख बैठती है इस समय अराउंड 5 से लेकर 10 लाख तक का मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। जो भी कॉलेज आपको 10 लाख से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है वो देवदा मेडिकल कॉलेज हो सकता है, वो काठमांडू यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस धूली स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस धूली खेल में जो है वो हो सकता है, या जानकी मेडिकल कॉलेज हो गया। जो भी आपको एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको 10 लाख से ऊपर का डिस्काउंट मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप ये समझ लीजिए द क्वालिटी इज़ क्वेश्चनेबल। तो भाई जो हमारे इंडिया में मैं हमेशा आपको 3 या 4 ग्रेड की कॉलेज बोलता हूँ, सो डेफिनेटली मणिपाल CMS भरतपुर एंड फ्यू अदर आर इन द टॉप लीग, बट ये 2 तो बिल्कुल टॉप है। एंड देन चितवन मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने अभी जिक्र करा, और आप देख सकते हो कि जैसे किस जिस तरफ आप रहते हो, अगर आप गोरखपुर के आसपास रहते हो तो लुम्बिनी इज़ ईजी टू एक्सेस, अगर आपको फ्लाइट ही पकड़नी है तो फिर काठमांडू कॉलेज आप देख सकते हो, आप बिहार साइड पर रहते हो तो बीरतनगर में बीरत मेडिकल कॉलेज है और नोबल मेडिकल कॉलेज है, दे बोथ आर वेरी गुड और वो आपको वो सेम फैसिलिटी देते हैं और फिर एक नेक्स्ट लेवल के कॉलेज भी है। बट हाँ ठीक है जी, आपके पास बजट कम है और आपको लगता है कि भाई खाना पीना मिला के 55 लाख मेरा काम हो जाएगा, 1 साल फालतू लगेगा इंडिया से, बिकॉज नेपाल में सेम 4.5 जमा 1 साल जमा 1 साल इंडिया का, तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा और नेपाल की पढ़ाई जब जनवरी बैच से स्टार्ट हो जाएगी तो उस तरीके से आप देख रहे हैं तो फिर आप वो थर्ड ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं। और
ध्यान ये रखना है कि जिस भी काउंसलर को आप हायर करें, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो, उसकी ज़ुबान की वैल्यू, उसके वर्ल्ड की वैल्यू, क्योंकि जहाँ पर भी आप पैकेज ले रहे हैं, आप इस बात को समझिए, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, ये लागू है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जिसके थ्रू आप पैकेज ले रहे हैं वो कितना जस्टिफाई करेगा अपनी ज़ुबान को बाद में, राइट। तो आज तो आपने फ़ोन पे बात कर ली, हाँ जी 45 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, आपको कुछ पेपर भी मिल गया साइन करने को, आप जानते हो पेपर भी इंडिया में कैसे बन जाते हैं, पर जो एक्चुअली में आपने हमारा एडमिशन लिया और आपको एक साल पता चलता है आपको तो पूरे ही 62 लाख रुपये देने हैं, तो सोच समझ के आप फैसला कीजिए और उस कंसल्टेंट के थ्रू जाइए जो कि आपका फ़ोन अगले 5-6 साल भी उठाने वाला है। ओके, सो ये एक ब्रॉड समरी मैंने आपको बताई अबाउट दी MBBS नेपाल, जिसकी प्रोसेस जून में स्टार्ट हो रही है, और आप हमारे थ्रू कराना चाहें, यू नो अवर नंबर 9643362320 पे आप जो भी कॉलेज फाइनल करेंगे उस हिसाब से आपको बता दीजिए, चाहे इस समय स्कॉलरशिप चल रही है, देखिए जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है ये भी घटता रहता है बढ़ने के बदले, तो 31 मई तक हमने आपको वीडियो बना के दिया था मैक्सिमम स्कॉलरशिप थी, उससे तो सिबत कम हो जाए, बिकॉज हर नेपाल कॉलेज में 33% NRI सीट होती है, तो जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ 33 हैं, जहाँ 50 हैं वहाँ 17 हैं, और उनको सीटें भरनी है, क्योंकि वी पे 3 times द अमाउंट दैट नेपाली गए पे, तो जब उनको लगता है कि हाँ भाई रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है उनको इंडिया से और सीटें उनकी जल्दी भर रही हैं, तो फिर वो अपने स्कॉलरशिप अमाउंट को हटा देंगे, पता चलेगा कि लास्ट में तो देवदास जैसा कॉलेज भी आपसे फुल फी लेगा, या जानकी जैसा कॉलेज भी आपसे फुल फी लेगा, या धूलीखेल वाला कॉलेज भी आपसे फुल फी लेगा। तो जितनी जल्दी आप एक्शन करते हैं, जितनी जल्दी आप अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। ओके, अगेन 9643362320 MBBS अब्रॉड के लिए, चाहे आप नेपाल जाए कहीं भी जाए, हमने फिक्स अपनी 50,000 rupees प्रोसेसिंग चार्ज रखा हुआ है, इसमें कोई खर्चा इंक्लूड नहीं है, ये हमारा सर्विस चार्ज है, और इसके अलावा जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं नेपाल में होता ही नहीं है बिकॉज ऑफ वीज़ा तो लगाना नहीं है, तो जब हम रशिया वगैरह भेजते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो करे जाते हैं, और नेपाल में अक्सर जब बच्चा जाएगा तो पेरेंट्स साथ ही जाएंगे, और हैविंग सेड दैट कि नेपाल में आपको एक बार दिसंबर में काठमांडू भी जाना पड़ता है एक्चुअल एडमिशन से पहले, क्योंकि वो लोग आज भी ऑफलाइन काउंसलिंग करते हैं, और जो हमने आज सीट प्री बुक भी चाहे कर ली है, पर आपको अलॉटमेंट लेटर, एक्चुअल अलॉटमेंट लेटर तो उसी दिन मिलेगा दिसंबर में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।